All right, guys, let's begin with section 174, which provides for the quorum. Now, as usual, before we get into the section, let me just give you the macro view of the section. So section 174, there are four subsections. So 174.1, 174.2, 174.3, 174.4. So let's try and understand what is there in this section. Let's decode it. So section 174, subsection 1 provides for the quorum of the board meeting, or for that matter, actually board of directors ki jo sub committees hogi uska bhi quorum yahi pe likha hua hai. Theek hai? So section 174, subsection 1 actual mein ye batata hai ki kam se kam kitne directors honge to board meeting ho paegi. Further, section 174, subsection 2 actually provides कि अगर मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से लोग रिजाइन करके चले गए, हम या तो हमने उनको रिमूव कर दिया, निकाल दिया, या डायरेक्टर्स मर गए, अगर जितना मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का नंबर कोरम रिक्वायर्ड है, अगर उससे कम डायरेक्टर्स हैं, किस वजह से, डायरेक्टर मर गए, रिजाइन कर गए, या फिर कंपनीज ने उनको निकाल दिया, इन वजहों से अगर देयर इज अ वैकेंसी इन द बोर्ड, तो देयर आर टू स्पेसिफिक मैटर्स व्हिच एक्चुअली कैन बी ट्रांजेक्टेड इन द बोर्ड मीटिंग विदाउट द कोरम. तो यहां दो मैटर्स ऐसे दिए हुए हैं जो दो मैटर्स को विदाउट द कोरम भी ट्रांजैक्ट किया जा सकता है. लेकिन खास बात यह है कि ये दो मैटर्स को, ये स्पेसिफिक दो मैटर्स को कब विदाउट द कोरम ट्रांजैक्ट किया जा सकता है, जब देयर इज अ वैकेंसी इन द बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ही नहीं कंपनी में. होते तो आते, होते तो शायद नहीं आते तो कोरम नहीं बनता, लेकिन ये है ही नहीं. फॉर यू नो वेरियस रीजंस दे हैव बीन रिमूव्ड और दे हैव रिजाइंड और दे माइट हैव यू नो इन द केस ऑफ इवेंट ऑफ इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द डायरेक्टर्स, है ही नहीं बोर्ड में डायरेक्टर्स, तो क्या होगा, सबसेक्शन 2 में लिखा है. सबसेक्शन 3 एक्चुअली प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स. वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट फॉर क्वाइट लॉट ऑफ टाइम नाउ. Finally, in this particular section and also in section 184, we will talk about interested directors. 184 actually provides, let's not go there. 174 subsection 3 provides ki agar board meeting mein koi aisa matter discuss hone wala hai jisme koi director interested hai. Mere kehne ka matlab, personally uske interest involved hai, agar uske stakes involved hai. Maan lo company, एक कंपनी है, वो किसी ऐसी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है जिस दूसरी कंपनी में हमारे इस कंपनी के डायरेक्टर की वाइफ या रिलेटिव का हिस्सेदारी है, या उसकी वाइफ वहाँ डायरेक्टर है, या ये खुद वहाँ डायरेक्टर है. तो अगर कोई भी रिजोल्यूशन ऐसा है बोर्ड मीटिंग में जहाँ पर डायरेक्टर इंटरेस्टेड होगा, तो ऐसे केस में इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो होते हैं उन्हें मीटिंग में वोट करना अलाउड नहीं होता. और जब से कंपनीज एक्ट 2013 आई है, तब से वहां पर डिस्कशन में हिस्सा लेना भी अलाउड नहीं होता. ये पोस्ट सत्यम हुआ है, सत्यम के स्कैम के बाद ये हुआ है. बट वन थिंग दैट आई कैन स्पेसिफिकली टेल यू इज, अगर कंपनी में डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, बोर्ड मीटिंग का कोई रेजोल्यूशन डिस्कस किया जा रहा है, अगर उस रेजोल्यूशन में डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, तो दैट डायरेक्टर इज नॉट अलाउड टू वोट एट द मीटिंग, और सॉरी, टू वोट इन दैट रेजोल्यूशन, पर्टिकुलर रेजोल्यूशन वेर इज इंटरेस्टेड. Also, he is not allowed to participate in the discussions in which he is interested. क्योंकि वहां पर उसका निजी फायदा भी हो रहा है, तो conflict of interest ना हो. इसीलिए whosoever director is interested in any particular resolution of the board meeting, in that particular resolution, he cannot discuss, he cannot vote. That means there is a possibility कि मान लीजिए ऐसा हो गया कि कंपनी में कोई ऐसी मीटिंग हो रही है या ऐसे रेजोल्यूशन हो रहे हैं जहां पे डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं, और उस वजह से कोरम नहीं बन पा रहा है. अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं, उस वजह से कोरम नहीं बन पा रहा है, तो क्या होगा, 174 सबसेक्शन 3 देखेंगे, डिटेल में देखते हैं क्या लिखे. वी विल इवैल्यूएट ईच सबसेक्शन इन डिटेल, बट एट दिस मोमेंट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि आपको यहां क्या पढ़ना है. तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर से रिलेटेड प्रावधान यहां है, अगर वैकेंसी है बोर्ड में उससे रिलेटेड प्रावधान यहां है. और क्योंकि आप नए हैं और बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि उनका स्टैंड थोड़ा सा क्लियर नहीं होता है 174 पे, वट एवर आई हैव एक्सपीरियंस इन द पास्ट प्रीवियस यू बैच, स्पेशली यू नो वन और वन हाफ ईयर बैक व्हेन आई यूज्ड टू टीच इन फाइनल्स, पीपल डोंट रिलेट, यू नो पीपल डोंट नो हाउ टू अप्रोच दिस सेक्शन. तो मैं आपको सही बात बता दूं, सबसे पहले तो सेक्शन 174 सबसेक्शन 1
के बाद सीधा आपको सबसेक्शन 4 देख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सही बात तो ये, अगर अगर दुनिया में ये दो सेक्शन होते ही नहीं ना, इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड डायरेक्टर वाले और वैकेंसी वाले किससे होते ही नहीं ना, तो सिंपल सेक्शन है भाई। अगर हमने बोर्ड मीटिंग बुलाई उसमें अगर हमारे डायरेक्टर जिंदा हैं, मरे भी नहीं है, रिजाइन भी नहीं कर रहे हैं, रिजाइन भी नहीं किए हुए हैं, रिमूव भी हमने उनको किया नहीं है, जिंदा भी हैं, सब कुछ ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं हमारे कंपनी के, फिर भी मीटिंग में नहीं आते, कोरम नहीं बन पाता, उस वजह से मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। तो एक्चुअल में सही बात बताऊं तो आप सीधा क्या करिए, 174(1) के बाद मैं आपको 174(4) हल्का सा बता दूंगा, चीजें काफी आसान हो जाएगी आपके लिए। 174 सबसेक्शन 1, नंबर 1, जितना मिनिमम रिक्वायर्ड कोरम है अगर उतना प्रेजेंट नहीं हुआ द मीटिंग शैल बी एडजर्न। एडजर्न कब होगी? 174(4) में लिखा है। अरे अरे सर, लेकिन अगर कंपनी के डायरेक्टर मर गए तो, कंपनी के डायरेक्टर को रिमूव कर दिया होगा तो? 174 सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर कोरम इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि डायरेक्टर शायद मर गए हैं, जिंदा ही नहीं है, या रिमूव कर दिए गए हैं कंपनी से, या रिजाइन कर चुके हैं, तो विदाउट द कोरम भी कोई मैटर्स लिए जा सकते हैं। देयर आर प्रिसाइसली 2 मैटर्स गिवन विच वी विल इवैल्यूएट, एंड सबसेक्शन 3 जो है टॉक्स अबाउट द इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स। अगर डायरेक्टर्स का पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है किसी पर्टिकुलर मैटर में, अगर ऐसा कोई मैटर बोर्ड मीटिंग में लिया जा रहा है तो वो डायरेक्टर ना पार्टिसिपेट कर सकता है ना वोट कर सकता है ऐसे मैटर्स में। तो इंटरेस्टेड होने की वजह से अगर कोरम नहीं बनता है, अब वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, अगर 7 डायरेक्टर हैं, 6 लोग इंटरेस्टेड हैं, तो कैसे मैटर ट्रांजैक्ट किया जाएगा, है ना? तो दिस कैन बी द क्वेश्चन। तो मोटा मोटा ये हैं 4 सबसेक्शंस जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? सो लेट्स नाउ गेट इनटू सबसेक्शन 1। हम सबसे पहले अब सबसेक्शन 1 को इवैल्यूएट करते हैं। सबसेक्शन 1 बोर्ड मीटिंग्स का कोरम एग्जैक्टली कितना चाहिए वो एक बार देख लेते हैं, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, चलो। Alright guys, let's get into subsection 1. So 174 subsection 1 provides for the quorum. First of all, let us just read the provision from the Bayer Act. Ajo. So subsection 1, what it is providing for? Let's check out. So the quorum for the meeting of the board shall be 1/3 of the total strength or 2 directors, whichever is higher. So total में से 1/3 या 2, whichever is higher shall be the strength. उतना minimum quorum required होगा. Further, अगर directors physically meeting attend करते हैं या video conferencing से attend करते हैं या कोई भी audio visual mean से भी join करते हैं, तो हम लोग उनको quorum के purposes के लिए count करेंगे. ठीक है, बहुत ही simple. आ जाओ लिख लेते हैं. So section 174, subsection 1. Sorry. So what is the requirement? Basically, the quorum which is required, let me just write in the tabular format also. In the diagrammatic format, I'm sorry. So it is actually 1/3 or 2. Whichever is higher, ठीक है, and to be precise, a fractional number आ गया तो it shall be rounded off as 1. तो अगर fraction आएगा तो उसको हम round off कर लेंगे as 1, ठीक है. जब दूसरे जगह पे कहीं फ्रैक्शन आएगी तो और कुछ होगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि वहां पर क्या करना है, बट एट दिस मोमेंट प्रिसाइसली 1/3 वाला जो नंबर है, अगर वहां पे फ्रैक्शन आया तो वी विल टेक इट एज अ राउंड नंबर. जो भी उसका नेक्स्ट नंबर होगा उसको हम पकड़ लेंगे. सो दैट मीन्स व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर कोरम, थोड़ा इलस्ट्रेशन ले लेते हैं. थोड़ा प्रिसाइसली मैं आपके लिए कुछ कुछ चीज़ें लिख देता हूँ बिकॉज मुझे यहाँ बिल्कुल गड़बड़ नहीं चाहिए, ठीक है. मैंने क्या बोला, यू डू इट एट योर ओन पेस, आई डोंट माइंड, बट वेन यू आर डन यू शुड बी डन विद इट. एक बार में करना, शेर को आधा घायल मत छोड़ो, पूरा खत्म करो उसको. सो 1/3 और 2 विच एवर इज हायर शैल बी द कोरम. सो दैट इज
simply the provision which has been prescribed. Okay, so simply saying the quorum is 1/3 of the total strength of directors or 2, whichever is higher. Sorry. Further, one more point. So अगर 1/3 वाला कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में आ गया तो यहां पे मैं एक नोट लिख देता हूं. And I don't want any confusions here, guys. I'm being precise. Please, you also try to be precise. Any fraction उसके next round number को ले लेंगे, ठीक है? So that means if it's 1.1 shall be taken as 2, if it's 1.3 shall be taken as 2, if it's 1.9 तब भी इसको दो ही मानना है. तो nearest नहीं है, round जो भी अगला number होगा वो ले लेंगे, ठीक है? I would also like to open the Bayer Act for you because I want you guys to have a good sort of reading of the Bayer Act from the Bayer Act only. So here it is. I'm just opening it so that, you know, in case we need to refer it, plain clean Bayer Act also, we will do that. Yeah, I think it's here. So here it is. Actually, I wanted to tell you that the fraction is rounded off as 1 has been actually given in the explanation. So some people might ask, or you know, they might question, ki sir ye fraction ko round number lena ye kahan se aa raha hai. So actually it has been prescribed for in the explanation of this section. So theek hai, to फ्रैक्शन को वन लेना है ये कहाँ लिखा है. एक्चुअली आई वांटेड टू गिव यू दिस आइडिया. सो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. सो फॉर एग्जांपल, देर आर टोटल 9 डायरेक्टर्स इन द कंपनी. व्हाट शैल बी द कोरम फॉर दैट पर्पस? कम ऑन गाइस. सो 1/3 ऑफ 9 और 2. 1/3 of 9 is 3 ones are 3, and 3 to 1 is 3. So 3 threes are 9. So that is 3 or 2. So naturally 3 is the higher number. So we will take 3 as quorum. That means to hold or to transact any particular matter of this company, at least 3 directors meeting mein aayenge, tabhi hum log koi bhi matter ko transact kar payenge. It's very simple. I don't want to unnecessarily complicate it. So yes, at this moment, section 174, quorum kitna hoga? 1/3 of the total strength of the director or 2, whichever is higher. Achha, agar company mein 9 director hai aur ek director ki unki resign, unki tenure ke pehle hi death ho gayi, to 9 hi consider karte hain. ठीक है. सो उनके टर्म के पहले टोटल डायरेक्टर जितने हैं, अगर किसी के टर्म के पहले उनकी डेथ हो जाती है, हम तब भी 9 ही गिनेंगे. आई थिंक इट्स क्लियर. एनीवे, इवन इफ यू डोंट थिंक अबाउट टोटल स्ट्रेंथ एट दिस मोमेंट, इट्स ओके. 174 सबसेक्शन 1, कोरम शैल बी 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2, व्हिच एवर इज हायर. इन दोनों में से जो भी ज़्यादा बड़ा नंबर होगा, कम से कम उतने डायरेक्टर्स मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए. कम से कम उतने डायरेक्टर्स का मीटिंग के हर रेजोल्यूशन में प्रेजेंट होना जरूरी है. हर रेजोल्यूशन पास करने के लिए कम से कम उतना कोरम चाहिए. अगेन, यू नो, गोइंग बैक टू द सेम क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड इन द कोरम फॉर द जनरल मीटिंग्स, यहाँ पर भी मैं वही सेम क्वेश्चन पूछूंगा कि कोरम क्या शुरुआत में जरूरी होगा या थ्रू आउट द मीटिंग. द आंसर इज थ्रू आउट द मीटिंग. हर रेजोल्यूशन पास करने के लिए कम से कम कोरम हमें कितना चाहिए होगा? 1/3 or 2, विच एवर इज हायर. नाउ दिस इज प्लेन एंड सिंपल 174-1. नाउ टेक्निकली मुझे अगर आपको परेशान नहीं करना रहा, या आपको खुद को भी अगर परेशान नहीं करना है, सच बताऊं क्या, सीधे 174-2 देखो. सॉरी, सीधे 174-4 देखो. कितना देखो सिंपल लगेगी दुनिया.
जस्ट लुक एट 174:4, जस्ट लुक एट 174:4, इट्स सो सिंपल मैन. Where the meeting of the board could not be held for the want of quorum, then unless the articles of the company provide, the meeting shall automatically stand adjourned on the same day, same time, same place, next week, if the day is national holiday, uske agle din, which is not a national holiday. ठीक है, कितना सिंपल, कितना सुंदर जीवन. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? So if the meeting could not be held, plain and simple, okay, what for the want of quorum. मेरे कहने का मतलब, अगर डायरेक्टर मरे भी नहीं है, डायरेक्टर जिंदा भी है, हमने उनको निकाला भी नहीं है, वो रिजाइन करके भी नहीं गए हैं, उसके बावजूद भी जब हमने बोर्ड मीटिंग बुलाई तब अगर कोरम नहीं बना, what shall happen? कुछ नहीं, मीटिंग शेल स्टैंड एडजर्न. क्या लिखा हुआ है देखो, द मीटिंग शेल स्टैंड ऑटोमेटिकली एडजर्न नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस. ठीक है, और द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइड, फॉर एनी अदर डे. आर्टिकल में स्पेसिफाई हो सकता है कि मीटिंग एडजर्न होगी तो क्या होगा. नाउ एडिशनली If you actually read, you know, the Bayer Act, the clarifications, the Secretarial Standard 1, which we are going to look at the end of this particular chapter, तब आपको ये समझ आएगा कि इसमें एक छोटी सी बात और है. क्या है वो छोटी सी बात? वो छोटी सी बात ये है कि अगर next week national holiday आ गया तो उसके नेक्स्ट डे पे मीटिंग होगी. मेरी बात फिर से सुनो, आपने मीटिंग बुलाई, कोरम नहीं हुआ, कोरम नहीं आया या कोरम नहीं बना, उस वजह से मीटिंग नॉर्मली अगर नेक्स्ट वीक में एडजर्न होने वाली थी, अगर नेक्स्ट वीक में जो डे पे मीटिंग आ रही थी अगर उस दिन नेशनल हॉलीडे आ गया, दैट मीन्स इधर 15 अगस्त या फिर गांधी जयंती या फिर 26 जनवरी, ये तीन ही नेशनल हॉलीडेज हैं as has been provided for in Secretarial Standard 2 and the General Clauses Act. तो अगर नेशनल हॉलीडे आ गया तो नेशनल हॉलीडे के नेक्स्ट डे पे मीटिंग होगी. होप दैट्स वेरी 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 क्लियर. ओके गाइस, ओके, सो दिस इज व्हाट आई स्पेसिफिकली वांटेड टू टॉक अबाउट. ये मुझे आपको स्पेसिफिकली बताना था. होप दिस इज वेरी 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 क्लियर. बहुत सिंपल है, मालूम है, ये कोई लचांडी नहीं है. सेक्शन 174, बहुत बच्चे आपको मिलेंगे, बहुत बच्चों से आप बात करोगे. सी आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, इतने बच्चे मिले हैं. 174 में दिक्कत आती है. क्यों आती दिक्कत? पहले सब सेक्शन 3 और 2 पढ़ लेते हैं तब पक्का दिक्कत आती है. जबकि अगर 174:1, 174:4 डायरेक्टली पढ़ लो, कितना सिंपल है भाई. 174:1, कोरम मिनिमम 1/3 of the टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर और 2 व्हिचएवर इज हायर शैल बी द कोरम. सबसेक्शन 4, अगर कोरम नहीं बना तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी अगले हफ्ते या उस दिन जिस दिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा. खत्म, सिंपल बात. ठीक है, ठीक है. सो नाउ लेट्स चेक आउट, नाउ लेट्स सी व्हाट इज एक्चुअली प्रोवाइडेड फॉर इन सबसेक्शन 2. अब आ जाओ, 2 मिनट अब आप सबसेक्शन 2 को देखते हैं. तो मैंने आपको क्या बोला था कि हम सबसेक्शन 1 के बाद तुरंत 174:4 देख लेंगे. मैंने आपको 174:4 क्यों दिखाया क्लास? ओ गाइस, मैंने आपको 174:4 इसलिए दिखाया मेरे भाइयों क्योंकि ईजी हो जाएगा आपके लिए. मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि 174:2 हम करेंगे नहीं या 74:3 हम करेंगे नहीं, करते हैं ना. सो लेट्स चेक आउट 174 सबसेक्शन 2.
सो 174 सबसेक्शन 2 के बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअल में 174(2) क्या बोलता है, सुनो मेरी बात एकदम ध्यान से। हंड्रेड एंड सेवेंटी फोर सबसेक्शन टू बोलता है कि अगर देर इज अ वेकेंसी इन द बोर्ड, द कंटिन्यूइंग डायरेक्टर मे एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनी वेकेंसी इन द बोर्ड, बट इफ एंड सो देर नंबर इज रिड्यूस बिलो द कोरम फिक्स्ड बाय द एक्ट फॉर द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, द कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स मे एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू दैट फिक्स्ड फॉर द कोरम और फॉर समनिंग ऑफ द जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी और एंड फॉर नो अदर पर्पज। ठीक है, सो फंडामेंटली इसका मीनिंग क्या है, इफ देयर इज वैकेंसी इन द बोर्ड एंड बिकॉज ऑफ सच वैकेंसी द कोरम इज नॉट देयर, मेरे कहने का मतलब है, मैं थोड़ा आपके लिए लिख देता हूं आसान भाषा में, यार क्यों हो सकती है वैकेंसी, यू नो डायरेक्टर्स की डेथ हो गई, यू नो डायरेक्टर्स रिजाइन कर गए, डायरेक्टर्स को हमने रिमूव ही कर दिया, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर हो गया ना, इन कुछ वजहों से बोर्ड में वैकेंसी हो सकती है, इन कुछ वजहों से बोर्ड की सीट्स वैकेंट हो सकती है। मेरे कहने का मतलब है अगर कंपनी में 8 डायरेक्टर्स थे, मान लो 6 लोग फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, डेथ हो गई, अब तो 1/3 तो नंबर बनना नहीं है, या अगर कंपनी में 12 डायरेक्टर्स हैं और 10 की फ्लाइट में एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो कोरम तो बन नहीं पाएगा। अब कोरम इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि दुनिया में ही नहीं रहे 10 कंपनी के डायरेक्टर्स। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं भाई, अगर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ही नहीं, वैकेंसी है बोर्ड में, मान लो एक ही डायरेक्टर जिंदा बचा, तो क्या पॉसिबिलिटी है, तो कुछ हो सकता है। उसके लिए मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज बता रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना, आई रिपीट प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। डायरेक्टर की डेथ की वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया उसकी वजह से, या उनको कंपनी ने निकाल दिया उस वजह से, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट बोर्ड में वैकेंसी आ गई है, मतलब जिन डायरेक्टर्स को हमने अपॉइंट किया था उनको हमने 5-5 साल के लिए या 2-2 साल के लिए अपॉइंट किया था, लेकिन उनके टेन्योर खत्म होने के पहले ही या तो उनकी डेथ की वजह से, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिमूव कर दिया गया है, कुछ डायरेक्टर्स को रिमूव कर दिया उसकी वजह से, या तो कुछ डायरेक्टर्स की डेथ हो गई उसकी वजह से वैकेंट है पोजीशंस, अब वो डायरेक्टर्स दुनिया में ही नहीं है तो वो मीटिंग में तो आ ही नहीं सकते। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि बोर्ड वैकेंट हो गया, कोरम इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि कुछ डायरेक्टर्स अब हैं ही नहीं, उनके टेन्योर के पहले उनकी डेथ हो गई, रिजाइन कर गए, उनके टेन्योर के पहले उनको कंपनी ने निकाल दिया, ऐसे केस में विदाउट द कोरम, इसे नो बी वेरी केयरफुली, विदाउट द कोरम टू मैटर्स कैन बी ट्रांजैक्टेड। हां आपने एकदम सही सुना, विदाउट द कोरम, आपने एकदम सही सुना क्लास, विदाउट द कोरम 2 मैटर्स को ट्रांजैक्ट किया जा सकता है, कोरम नहीं भी होगा बिना कोरम के भी हम 2 काम कर सकते हैं, क्या क्या, 1, वी कैन अपॉइंट, टू बी प्रिसाइस, क्या लिखा हुआ है देखो, दे मे अपॉइंट डायरेक्टर इन बोर्ड मीटिंग और सो कोरम बन जाए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर मान लो कंपनी में 2 ही डायरेक्टर बच गए और कोरम रिक्वायर्ड उस कंपनी के हिसाब से 3 था,
तो जो दो कंटिन्यूइंग डायरेक्टर है, जो दो डायरेक्टर बचे हुए हैं, वो चाहे तो उसी बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। दैट इज वन मैटर विच कैन बी ट्रांजैक्टेड। तो डिस्पाइट द कोरम नॉट बीइंग देयर, कोरम नहीं भी है उसके बावजूद आपके पास अधिकार है कि आप ये एक मैटर तो पक्का उसी बोर्ड मीटिंग में ट्रांजैक्ट कर सकते हो। दूसरा ये दो दूसरा मैटर ये है कि विदाउट द कोरम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन कन्वीन, सॉरी कैन कन्वीन द जेनरल मीटिंग। प्लीज अंडरस्टैंड, जनरल मीटिंग भी क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स द्वारा वो लोग डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लेंगे और फिर कोरम बन जाएगा। तो मैं आपको बस ये बोलना चाहता हूँ कि भाई साहब बिना कोरम के दो काम हो सकते हैं, लेकिन कोरम किसकी वजह से नहीं बन रहा है, वैकेंसी की वजह से। फिर से रिपीट करो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनी जाए, दो मैटर्स कौन से हैं विदाउट द कोरम बोर्ड मीटिंग में कोरम नहीं है उसके बावजूद दो मैटर्स कैन बी ट्रांजैक्टेड। वन, उसी बोर्ड मीटिंग में एक आठ डायरेक्टर भी है तो दो ही डायरेक्टर हैं, वो भी डिसीजन ले सकते हैं विदाउट द कोरम, वो किसी और को डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं सो दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोरम बन जाए और मीटिंग ली जा सके, क्योंकि मीटिंग लेना कंपलसरी है ना, सेक्शन 173 सबसेक्शन 1, इन एवरी ईयर देयर शैल बी फोर बोर्ड मीटिंग्स, है ना। तो मीटिंग लेना तो कंपलसरी है, कोरम नहीं रहा क्योंकि डायरेक्टर्स की डेथ हो गई है, उनको रिमूव कर दिया गया है, जो भी रीजन है, बोर्ड में वैकेंसी है उस वजह से अगर कोरम नहीं बन रहा है, दो मैटर्स विदाउट द कोरम आप ले सकते हैं। कौन से, एक आप उसी पर्टिकुलर जो डायरेक्टर्स बचे खुचे डायरेक्टर्स हैं कोरम नहीं बना पा रहे, वो बिना कोरम के एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर लो या दो डायरेक्टर को अपॉइंट कर लो ताकि कोरम बन जाए, या तो आप शेयर होल्डर्स की मीटिंग ऑर्डर कर दो, शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला दो सो दैट शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सके। प्लेन एंड सिंपल, सेक्शन 174। बट प्रिसाइसली इसकी अगर सब सेक्शन की कोई हेडिंग नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूं, तो मेरे भाइयों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मर गए हैं, जिंदा ही नहीं है। अब जिंदा ही नहीं है तो वो आएंगे कैसे मीटिंग में, मेरे को बताओ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अंधेरा वंधेरा करके, वो कैंडल्स वैंडल्स जला के ऐसे रात को अंधेरा करके ऐसे मोमबत्ती में हाथ रख के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मर गया डायरेक्टर उसकी आत्मा को बुलाएंगे क्या? क्या बात कर रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो वेकेंट बोर्ड है उस वजह से कोरम नहीं बन पा रहा है, ऐसे केस में टू मैटर्स कैन बी ट्रांजैक्टेड विदाउट द कोरम। यस यू हर्ड मी राइट, दो मैटर्स को बिना कोरम के लिया जा सकता है, एक उसी मीटिंग में बिना कोरम के डायरेक्टर्स किसी और आदमी को डायरेक्टर अपॉइंट कर दे ताकि कोरम बन जाए, या तो जनरल मीटिंग कन्वीन कर दे ताकि जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स डायरेक्टर अपॉइंट कर दे और फिर कोरम बन जाए। इजी, वेरी इजी। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स गो इनटू 174 सबसेक्शन 3। So 174 subsection 3 का क्या बात करता है, इट प्रोवाइड्स अबाउट इंटरेस्टेड डायरेक्टर। अगेन द हेडिंग, एक्चुअली सबसेक्शन की हेडिंग होती नहीं है, मैं क्यों दे रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आए बात। ठीक है, ये कभी भी बता रहा हूं कि सबसेक्शन की हेडिंग नहीं होती है, ये हम लोग दे रहे हैं ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, सो येस दिस प्रोविजन इज अबाउट द इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स। एक्चुअल में यहाँ लिखा हुआ है कि अगर डायरेक्टर्स में से कुछ डायरेक्टर्स अगर इंटरेस्टेड हैं तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को तो वोट करना अलाउड नहीं है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को तो मीटिंग में डिस्कशन करना अलाउड नहीं है। फिर आ जाओ रीड करते हैं, सॉरी। Where at any time the number of interested directors exceeds or is equal to 2/3 of the total strength of the board, the number of directors who are not interested directors and present at the meeting not less than 2 shall be the quorum during such time. इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर 2/3 or more are interested directors तब क्या होगा? So आपकी योग्यता इस सेक्शन को समझने के लिए हो जाए, उसके लिए मैं आपको पहले
कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। नंबर वन, जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होते हैं ना, दे आर नॉट अलाउड टू वोट, दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन अ मैटर इन द रेजोल्यूशन इन विच दे आर इंटरेस्टेड। गलत मत समझना, एक मीटिंग में 10 रेजोल्यूशन है, उन 10 रेजोल्यूशन में से अगर एक रेजोल्यूशन में मैं इंटरेस्टेड हूं तो बाकी 9 में तो मैं वोट करूंगा ना, बाकी 9 मैटर में तो मैं अपना वोट कास्ट कर सकता हूं, डिस्कशन कर सकता हूं, सिर्फ वो एक में मेरे को अलाउड नहीं रहेगा। तो चक्कर ये है कि ये है बेसिक बात, ये है भाई बेसिक बात। 184 भी इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को लेकर है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट का प्रावधान आएगा वहां पर, तो हम लोग जरूर वहां पर भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, ये फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये बैकग्राउंड आपके माइंड में होना चाहिए, नहीं तो आपको चीजें समझ नहीं आएगी। सो फंडामेंटली इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स के बारे में एक प्रावधान है कि नंबर वन, अगर कोई डायरेक्टर किसी पर्टिकुलर एजेंडा के बिजनेस आइटम में इंटरेस्टेड होगा तो ना उसको वोट करना अलाउड होगा, ना उसको डिस्कशन करना अलाउड होगा। ठीक है, ठीक है। अब 174(3) इस मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी ताकि आपकी 174(3) की अंडरस्टैंडिंग में कोई रुकावट ना आए। अब 174(3) में क्या लिखा है, इफ 2/3 और मोर डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड इन दैट केस द डायरेक्टर्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड बट डायरेक्टर्स आर नॉट इंटरेस्टेड बट नॉट लेस देन 2 डायरेक्टर्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड शैल बी द कोरम। मेरी बातें फिर से सुनो मेरे भाइयों। पहली बात तो ये कि अगर कोई डायरेक्टर किसी रेजोल्यूशन में पर्सनली इंटरेस्टेड है तो ऐसे केसेस में उसे ना वोट करने की इजाजत है, ना उसे मीटिंग में डिस्कशन करने की इजाजत है। सो ही इज रिफ्रेन। नाउ फर्दर टू इलेबरेट ऑन 174(3) एक्चुअली प्रोवाइड्स कि अगर 2/3 या 2/3 से ज्यादा डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हुए, तो अगर कम 2 डायरेक्टर्स भी हुए जो इंटरेस्टेड नहीं है, उन्हीं को हम कोरम मान लेंगे। दैट इज द प्रोविजन। अब इसको मैं थोड़ा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता हूं। मैं आज RBI में होता या मैं आज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में होता, द ओनली रीजन आई डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द RBI एग्जाम और SEBI एग्जाम इज ओनली एंड ओनली एंड ओनली बिकॉज आई कुड नॉट क्लियर द कट ऑफ इन द क्वांट पोर्शन। मतलब मेरा मैथमेटिक्स खराब था, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे से भी ज्यादा आपका मैथमेटिक्स खराब हो सकता है और उसी वजह से ये सेक्शन नहीं समझ में आएगा। एक एक बात बताओ, 1/3 प्लस 2/3 कितना होता है, मैं बताऊं? 1 होता है। अबे पगलो, 1/3 प्लस 2/3 1 बन जाएगा ना, है ना? तो अब इतना अगर आपको समझ गया है तो ये भी समझो। इसीलिए तो मेरे भाइयों, इसलिए हिंदी में लिखता हूं आपके लिए,
पता है मैथमेटिक्स कभी कभी प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कभी प्रॉब्लम होती है कॉम्प्रिहेंशन में। मेरा नेफ्यू है, उसकी मैथमेटिक्स खराब थी, तो मेरी सिस्टर ने उसको कई सारे वैदिक मैथमेटिक्स और ये सब क्लासेस करवाई, उसकी मैथ्स इंप्रूव नहीं हुई। बाद में एक अच्छा यू नो देव क्या बोलेंगे उसको, एक बड़ा विद्वान व्यक्ति मिला, उसने कहा कि इसका मैथ्स प्रॉब्लम नहीं है, इसकी कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम है, उसे रीडिंग करके मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम नहीं समझता। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, इट्स ऑल राइट। मतलब दुनिया में 25% 30% लोग ऐसे होते हैं जिनकी कॉम्प्रिहेंशन वीक होती है बाय डिफॉल्ट। मेंटल मतलब जो कैपेसिटी होती है ना, मतलब वो स्किल उनकी नहीं होती, उसके अलावा दूसरी स्किल्स उनमें होती है, ठीक है, इट्स रिलेटेड टू समथिंग, आई कैन नॉट, वो साइंस है, उसमें मैं साइंस ना पढ़ा लूँ, फिर अगर मुझे साइंस इतना पढ़ाना हो तो लेट्स टॉक अबाउट लॉ बिकॉज दैट्स आवर लव। सो इसलिए अगर 2/3 या उससे ज्यादा इंटरेस्टेड हुए तो 1/3 का कोरम नहीं बन पाएगा, ठीक है। 2/3 या 2/3 से ज्यादा अगर डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हुए तो 1/3 वाला जो नंबर है, 1/3 और 2 विच एवर इज मोर, बोला ना हमने कोरम कितना चाहिए 1/3 और 2 विच एवर इज मोर, तो अगर 2/3 या उससे ज्यादा डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड होंगे तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि 1/3 जो कि कानून में रिक्वायरमेंट है वो कोरम ना बन पाए। इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर 2/3 से ज्यादा डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं या 2/3 डायरेक्टर्स भी इंटरेस्टेड हैं और किसी वजह से 1/3 वाली जो रिक्वायरमेंट है अगर वो कोरम नहीं बन पाती, तो ऐसे केस में अगर 2 डायरेक्टर्स भी हों जो मैटर में इंटरेस्टेड ना हों, उन्हीं को हम कोरम मान लेंगे। मतलब अगर हमने मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुलाने के बाद अगर 10 डायरेक्टर्स थे और 10 में से 8 डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड थे, तो अगर 2 डायरेक्टर्स भी ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड नहीं हैं, उन्हीं को हम कोरम मान लेंगे। होप दैट इज मेकिंग सेंस। सो होप दैट इज वेरी 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 क्लियर। ठीक है, आ जाओ रीड कर लो। Where at any time the interested directors exceeds or is equal to 2/3 of the total strength of directors, the number of directors who are not interested and present at the meeting not less than 2 shall be the quorum during such a time. Though during such a time इसलिए लिखा हुआ है मेरे भाइयों, क्योंकि अगर 10 resolution है और 10 resolution में से 9 resolution में सब बराबर है, सिर्फ एक resolution ऐसा है जहाँ बहुत सारे family members हैं। बहुत सारी families में होता है ना कि फैमिली मेंबर ही डायरेक्टर्स होते हैं, तो कोई एक मैटर में कोई इंटरेस्टेड होगा तो मोस्टली वो पूरी फैमिली वाले इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो अगर भाई बोर्ड मीटिंग में 10 रेजोल्यूशन पास करने हैं, उसमें से 9 रेजोल्यूशन सब बराबर पास हो गए, सिर्फ एक रेजोल्यूशन में अगर 10 में से 8 लोग इंटरेस्टेड हैं, तो बचे हुए 2 को कोरम मान लिया जाएगा। तो इसीलिए ड्यूरिंग सच टाइम बोला, तो अगर आप इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो तो आप सिर्फ उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में वोट करना आपको अलाउड नहीं है, सिर्फ उस रेजोल्यूशन में आपको डिस्कशन करना अलाउड नहीं है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। बाकी बोर्ड मीटिंग के आइटम्स में आप बिल्कुल डिस्कशन कर सकते हो, वोट कर सकते हो। दैट्स प्लेन एंड सिंपल 174 1 2 3 4। तो ये है 174 1 2 3 4। एक बार जल्दी से रिवाइज कराता हूं और फिर हम देखते हैं कि क्या कोई स्पेशल पॉइंट्स हैं जो हमको 174 से देखने हैं, क्या कोई अमेंडमेंट है, कोई एग्जेम्पशंस है, कुछ एक्स्ट्रा चीज है, तो हम वो भी देखते हैं। बट हाँ, पहले 174 सबसेक्शन 1, द कोरम शैल बी 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर्स और 2 व्हिच एवर इज हायर। फर्दर अगर 1/3 वाले नंबर में कोई भी फ्रैक्शन आ गई तो हम नेक्स्ट राउंड नंबर ले लेंगे, नेक्स्ट राउंड नंबर लेना पड़ेगा। इसीलिए कभी कभी 2/3 इंटरेस्टेड आ गए तो 1/3 जो मिनिमम चाहिए वो फ्रैक्शन में आ गया, तो हमको एक आदमी ज्यादा कैसे मिलेगा, 2/3 तो इंटरेस्टेड है, तो इसीलिए वो 2/3 वाला कंडीशन वैसा है। तो प्लीज अंडरस्टैंड सेक्शन 174 सबसेक्शन 1, द कोरम शैल बी नॉट लेस देन 100, द कोरम शैल बी 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स और 2 व्हिच एवर इज हायर। सेक्शन 174 सबसेक्शन 2, इफ बिकॉज ऑफ द वैकेंसी इन द बोर्ड कोरम नहीं बन पाया, मतलब मर गए डायरेक्टर जो अपॉइंटेड थे टेन्योर के पहले, मर गए इसलिए कोरम नहीं बन पा रहा है, ऐसे केस में विदाउट द कोरम 2 मैटर्स हो सकते हैं, 2 मैटर्स ट्रांजैक्ट किए जा सकते हैं। एक उसी बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट हो जाए, या जो बचे हुए डायरेक्टर्स हैं
वो जनरल मीटिंग बुला दे मेंबर्स की. सो यस, इफ देयर इज अ वैकेंसी इन द बोर्ड विदाउट द कोरम, टू मैटर्स कैन बी ट्रांजैक्टेड. वन, इन दैट सेम बोर्ड मीटिंग अ डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड, और जनरल मीटिंग कैन बी कन्वीन एंड इवेंचुअली द जनरल मीटिंग कैन अपॉइंट द डायरेक्टर. फर्दर, 174 सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स अबाउट द इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स. अगर 2/3 या 2/3 से ज्यादा डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हुए, ऐसे केस में नॉट लेस देन 2 डायरेक्टर्स इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द रिजोल्यूशन, दे विल बी कंसिडर्ड एज कोरम. कम से कम 2 डायरेक्टर्स भी अगर मिल गए जो इंटरेस्टेड नहीं है, उनको हम लोग कोरम मान लेंगे. एंड सबसेक्शन 4 इज वेरी सिंपल. 174 सबसेक्शन 1 को देखो, 1/3 या 2 कोरम चाहिए. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिंदा है, मरे भी नहीं है, रिजाइन भी नहीं करके गए, रिमूव भी नहीं हुए हैं, 174(1) के हिसाब से अगर कोरम नहीं बना तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम. और इफ द आर्टिकल जब प्रोवाइडेड फॉर सम अदर डे, ऑन दैट सम अदर डे जो आर्टिकल में प्रोवाइडेड है. लेकिन अगर आर्टिकल में भी कुछ नहीं लिखा है तो अगले वीक में होगी एडजर्न. तो अगले वीक में अगर नेशनल हॉलीडे आ गया तो नेशनल हॉलीडे का जो नेक्स्ट डे होगा उसमें बोर्ड मीटिंग ली जाएगी. दैट्स द बेसिक पार्ट. नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द एक्स्ट्रा प्रोविजंस हम लोग देखना शुरू करते हैं. अब प्राइवेट कंपनीज जो हैं, वो प्राइवेट कंपनीज में एक एग्जेम्पशन दिया हुआ है. इन केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी इंटरेस्टेड डायरेक्टर कैन वोट बट आफ्टर गिविंग ड्यू डिस्क्लोजर. So let me just now write down certain extra points here so that along with 174 you have an idea about extra things. So are there any provisions? या फिर इसको हम लोग इसके साथ notes बोल देते हैं ताकि आप लोग के जहन में रह जाए. So पहली बात तो ये कि यार जैसा मैंने पहले भी बताया यार, क्या होता है ना, अभी प्राइवेट कंपनी मतलब सी इफ माय फैमिली स्टार्ट्स अ प्राइवेट कंपनी, प्रोबेबली मी माय वाइफ माय मॉम डैड वी ऑल विल बी द डायरेक्टर्स. सो इफ वी आर ट्रांजैक्टिंग अ मैटर, से सपोज हमने एक एजुकेशनल कंपनी बनाई और उसमें वो मेरे रेम्यूनरेशन की बात कर रहे हैं, तो नेचुरली एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड बिकॉज आई एम रिलेटिव ऑफ ऑल ऑफ देम. सो अपन लोग सेक्शन 277 में रिलेटिव की डेफिनेशन भी देखेंगे. बहुत सिंपल डेफिनेशन है रिलेटिव की. डेफिनेशन में पता क्या होता है, आदमी, उसकी वाइफ, मॉम, डैड, नाना, नानी, दादा, दादी, बेटा, बेटी, बेटे के बच्चे, भाई, बहन, हिंदुस्तानी लीवर बोलो, HUF के जितने भी कोपार्सनर्स रहेंगे वो, उनको हम रिलेटिव मान लेते हैं. सो सेक्शन 277 में ये रिलेटिव की डेफिनेशन है. तो प्राइवेट कंपनीज तो क्लोजली हेल्ड कंपनीज होती है. तो प्राइवेट कंपनीज में एक स्पेशल प्रावधान है अगर हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनीज की बात करें. इसीलिए प्राइवेट कंपनीज का पब्लिक कंपनीज का डिस्टिंक्शन साला बहुत क्लियर होना चाहिए. क्यों पता है क्या, मैं बेसिक्स बहुत कर रहा था, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी 150,000 बार रिपीट करूंगा मैं अब. तो प्राइवेट कंपनी जो है दे आर क्लोजली हेल्ड कंपनीज, उसमें बाहर पब्लिक का पैसा नहीं लगा होता है, इसीलिए उसमें लीनियंट कानून है. प्राइवेट कंपनीज के लिए क्या कानून है, अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, मतलब कोई मैटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में लिया जा रहा है, उसमें अगर वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, ही कैन स्टिल वोट बट आफ्टर गिविंग डिस्क्लोजर. डिस्कशन भी कर सकता है वो. जब वोट करने की इजाजत दे दी है तो डिस्कशन करने की इजाजत तो रहेगी रहेगी. कैन डिस्कस एंड वोट बट परमिशन लेके कीजिए, बता दीजिए, परमिशन नहीं लेना है, सॉरी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, फालतू बात करी मैंने. डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि सुन भाई प्राइवेट कंपनी है, मैं इस मैटर में इंटरेस्टेड हूँ. बताना पड़ेगा कि आई एम पर्सनली इंटरेस्टेड इन द मैटर एंड आई एम वोटिंग. एक जनरल सिद्धांत है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, इच्छा शक्ति का टकराव हो रहा है. वोटिंग का मतलब क्या होता है, दो पहलू हैं, दो अल्टरनेटिव्स हैं, उनको एनालाइज करना, उन दोनों में से बेटर अल्टरनेटिव को चूज करना, है ना. तो वोटिंग का मतलब क्या होता है, वोट ये शब्द कहाँ से आ रहा है, ये शब्द आ रहा है वाओ से. द वोट, दिस एक्सप्रेशन ऑफ इंग्लिश वोट हैज बीन डिराइव फ्रॉम द एक्सप्रेशन वाओ. वाओ इज योर विश. तो जब आप वोट करते हैं तो बेसिकली यू आर इलेक्टिंग फ्रॉम मेनी ऑल्टरनेटिव्स, और फॉर एग्जाम्पल टू ऑल्टरनेटिव्स. सो टेक्निकली इट इन्वॉल्व्स नंबर वन दोनों ऑल्टरनेटिव्स को जांचना, दोनों ऑल्टरनेटिव्स को चेक करना, फिर उन दोनों में से बेहतर ऑल्टरनेटिव क्या है उसको चूज करना.
लेकिन जब दो अल्टरनेटिव्स में से किसी एक अल्टरनेटिव में कंपनी का नहीं बल्कि एज अ डायरेक्टर आपका पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा तो शायद आपका झुकाव उस तरफ ज्यादा होगा। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है आपके फायदे का और कंपनी के फायदे का, इसे इच्छा शक्ति का टकराव बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ये इच्छा शक्ति और टकराव की वजह से कहीं कंपनी के ऐसा ना हो कि कंपनी के फेवर में कम हो आपके फेवर में ज्यादा आप रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, इसीलिए सब प्रावधान बनाए गए हैं। अब प्राइवेट कंपनी तो बहुत चंद लोगों की कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, तो इसीलिए वहां पर बोल दिया गया कि ठीक है आप डिस्क्लोज कर दो कि आप इंटरेस्टेड हो और फिर आप वोट कर सकते हो। सिंस इट्स अ क्लोजली हेल्ड कंपनीज, इफ पीपल हैव ट्रस्टेड यू एंड दे हैव अपॉइंटेड यू डायरेक्टर, दे सर्टेनली नो कि आप क्या कर रहे हो, बट बताना पड़ेगा। इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड दैट द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड एंड ही इज स्टिल वोटिंग, मिनट्स में भी इसकी एंट्री होगी। सो दिस इज वन थिंग दैट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट। Is there any other thing? Yes, there is. Actually, I've already talked about it, but still, I'm going to read it for you so that जब आप notes read करोगे तो आपके मन में आएगा ना कि ये पूरा page पढ़ाया नहीं, इसीलिए मैं read कर रहा हूँ, बाकी तो मैंने बता दिया आपको। Meeting, अच्छा, board meeting कभी भी ली जा सकती है, कभी भी, सिर्फ national holiday पे नहीं ली जा सकती। अब आप में से बहुत लोगों के मन में आ सकता था कि adjourned meeting के लिए specifically बोला कि बोर्ड मीटिंग नेशनल हॉलीडे पे मत लेना, तो नॉर्मली नेशनल हॉलीडे पे ले सकते हैं क्या? तो इसकी क्लैरिफिकेशन कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं थी, थैंकफुली सेक्रेटेरियल ऑडिट में इसकी क्लैरिफिकेशन है कि भैया बोर्ड मीटिंग कभी भी ले लो, नेशनल हॉलीडे पे मत लेना। किसी भी टाइम पे ले सकते हैं, हाँ। किसी भी प्लेस पे ले सकते हैं, हाँ। न्यूयॉर्क में ले सकते हैं, हाँ। न्यूयॉर्क में रात को 4:45 बजे ले सकते हैं, हाँ। एनी का मतलब हिंदी में होता है कोई भी जगह, कोई भी समय, सिर्फ नेशनल हॉलीडे पे नहीं। दिवाली पे ले सकते हैं, हाँ। गुरु नानक जयंती, हाँ। ईद, हाँ। पारसी न्यू ईयर, हाँ। मकर संक्रांति, हाँ। बकर संक्रांति, हाँ। राखी, दिवाली, हाँ। सिर्फ नेशनल हॉलीडे मना किया है, ठीक है। पब्लिक हॉलीडे संडे वनडे को मत, ज्यादा भावुक मत हो जाना, इंडिया में 144 दिन तो छुट्टियां होती है, भावुक मत हो जाइएगा। मीटिंग मे बी कन्वीन एट एनी टाइम एनी प्लेस एनी डे एज पर द ग्रिगोरियन कैलेंडर इंक्लूडिंग ऑन द पब्लिक हॉलीडे Unless the article provide otherwise. बता दिया पहले ही पब्लिक हॉलीडे का किस्सा। बस मीटिंग कब नहीं हो सकती? नेशनल हॉलीडे पे, ठीक है। इसके अलावा दुनिया में जो भी बातें की हुई है उसके बारे में मैं आपको सब बता चुका हूं कि अगर आपने मीटिंग बुलाई वो कोरम की वजह से एडजर्न करनी पड़ गई, 8 तारीख को आपने मीटिंग बुलाई और एडजर्न करनी पड़ गई और अगले हफ्ते में इंडिपेंडेंस डे आ गया तो उसके नेक्स्ट डे पे बोर्ड मीटिंग ली जा सकती है। बट पॉइंट टू बी नोटेड, कुछ बातें हैं जिनकी जो लिखित में कर देनी चाहिए आपके साथ, जैसे एजीएम्स के लिए होता है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2, बोर्ड मीटिंग्स के लिए होता है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से बोर्ड मीटिंग जो है किसी भी प्लेस पे हाँ हो सकती है, बट नेशनल हॉलीडे पे नहीं हो सकती। सॉरी गाइस, सिंपल। इसके अलावा जितनी बातें थी वो हम आपको बता दिए हैं, शक मत कीजिए, हम बहुत सोच के बता रहे हैं आपको। समय सिर्फ बेसिक्स में और जनरल मीटिंग में लगता है, उसके बाद तो रप 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 जा सकते हैं, ठीक है। एंड आई होप यू गाइस आर कैचिंग अप विद माय स्पीड नाउ बिकॉज़ आई हैव गिवन यू इनफ टाइम। आई हैव एक्चुअली गॉन, तुम्हारे हिसाब से मैं चल रहा था, कंसीडरिंग वीडियोस को देखने में कभी कभी लोगों को समय लगता है, व्हाटएवर इट इज, बट नाउ आई थिंक यू गाइस कैन मैनेज, क्योंकि अब तो चीजें आसान लगती होगी आपको काफी, है ना। सो That's about 174 guys. This is what has been provided for in 175. So that's about it. If you have any doubts, you know what you have to do. 99-740-1 is my number. Just send me a text message or audio message or I'll be there. So this is 174 guys. 174 subsection 1. The quorum shall be 1/3 or 2, whichever is more. Fraction number aa gaya to usko next round number le lenge. 174 subsection 4, अगर normally situation है, quorum नहीं आया, meeting shall be adjourned next week, या articles जैसे decide करेंगे वैसे।
174(2) प्रोवाइड्स फॉर द वैकेंसी। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मर गए, रिजाइन कर गए, रिमूव हो गए, उनके टेन्योर खत्म होने के पहले ही अगर वो चले गए, उस वजह से कोरम नहीं बन रहा है, इन दैट केस विदाउट द कोरम कैन टू मैटर्स बी ट्रांजैक्ट, कैन एनी मैटर बी ट्रांजैक्टेड? यस, द आंसर इज यस। स्पेसिफिकली टू मैटर्स कैन बी ट्रांजैक्टेड, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसी बोर्ड मीटिंग में किसी एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेंगे ताकि कोरम बन जाए, या तो जनरल मीटिंग बुला देंगे जहां मेंबर्स डायरेक्टर को अपॉइंट कर दे और कोरम बन जाए। सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को वोट करना अलाउड नहीं होता, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को डिस्कशन करना अलाउड नहीं होता। प्रावधान ये है कि अगर 2/3 या उससे ज्यादा इंटरेस्टेड डायरेक्टर हुए तो फिर 1/3 नंबर होना मुश्किल हो सकता है, या हो सकता है कि 2/3 से ज्यादा डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं, तब तो 1/3 वाला बनेगा ही नहीं। ऐसे केस में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स भी अगर रहे जो इंटरेस्टेड नहीं है किसी रिजोल्यूशन में, शैल बी कंसिडर्ड एज कोरम। थैंक यू गाइज, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस, बाय बाय।